और मेरे भाई क्या हाल है यार। अब ये एक सोलो का गेम प्ले है। मैं आया हूँ पोचिंगी में, और पोचिंगी में कुछ गिने चुने बंदे ही आए हैं। मैं यहाँ पे एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जब से ये मम्मी वाला मैप आया है ना, तब से हमारे प्लेयर्स दो मैप में डिवाइड हो गए हैं, इसलिए मैच मेकिंग होने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर आप बिना मम्मी वाला मैप लगाते हो तो आपको मैच मेकिंग में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए पबजी वाले थोड़ा बहुत बॉट भी भेज रहे हैं। अब इन बातों को रखते हैं साइड में और बात करते हैं गेम प्ले की। तो यहाँ पे एक बॉट था कि बंदा था, मेरे को आई थिंक नहीं पता, पर पता नहीं मेरे पे रिलोड पे कैसे गन चला गया, कुछ ही बुलेट चले थे। इसको फिनिश करने के बाद थोड़ा लूट किए मैं आगे बढ़ चला। मेरे को लगा पोचिंगे में अब कोई नहीं है, इसलिए थोड़ा घर चेक करने के बाद जब मैं बाहर आया तो मेरे को दिखा रेड जोन। मैं रेड जोन के बचने के लिए मैं घर में घुसा, और लकीली मेरे को एक M4 मिल गया। सो वो M4 उठाने के बाद मेरे को एक गन साउंड की आवाज़ आई, जो कि चर्च की तरफ से था। तो मैं इस वाले स्क्वाड हाउस में आ गया और अंदर आके चेक करने लगा कि बंदा कहाँ है। बंदा तो मेरे को नहीं दिखा, पर क्योंकि मेरे को किल्स चाहिए थे तो मैं बाहर आके चर्च की तरफ देखते हुए आगे बढ़ रहा था, और तभी मेरे ऊपर फायर हुआ। शायद से इस बंदे का एम खराब था या फिर इसका नेट टट्टी था, तो मैंने इसको फिनिश कर दिया। जब मैं उसको लूटने के लिए अंदर जा रहा था, मेरे को एक पॉट फायर आया। मैं ऊपर चला गया और TTP लेने लगा। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, और लकली ये एक पॉट ही निकला। इसको मारने के बाद थोड़ा लूट के मैं ऊपर आ गया। अच्छे से ऊपर मैं थोड़ा ये बॉक्स चेक करने लगा, मेरे पे फायर आया तो मैं प्रोन हो गया। मैं जानता था ये वो चर्च वाला बंदा है, और वो बंदा मेरे को दिख भी गया। मैं वेट करने लगा कि ये मेरे पे रश तो ज़रूर करेगा। तभी पूछेंगे कि अंदर से फायर आया, और मैं कन्फ्यूज हो गया कि किसको देखूँ। फिर मैंने सोचा चलो इसको छोड़ते हैं, पूछेंगे वाले को, पहले इस पर पीर वाले पे फोकस करते हैं। जैसे ही फायर दिए वो अंदर चला गया। बाहर आया, दो चार मैंने बुलेट हिट की, से पूछेंगे कि अंदर से क्या करा। मैं कन्फ्यूज था, मैं किसको पहले देखूँ। मैं सोचा तो पीछे आके मैं उस पीर वाले को मारता हूँ, और मैंने उसको फिनिश कर दिया। फिर मैं इधर आया स्पोर्ट करने के लिए कि पोचिंगे वाला कहाँ है। मैं यहाँ पे बहुत देर तक उसको देखने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे को वो कहीं दिखा नहीं। तो मैंने बॉट फायर दिया ताकि वो बाहर आए, या फिर मेरे बॉट फायर का वो कोई जवाब दे ताकि मेरे को उसका लोकेशन पता चले, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं नीचे आ गया, सोचा चलो रस करते हैं। और जब मैं यहाँ नीचे आया तब तो मेरे पे कोई फायर नहीं था। जब मैं कवर पे जाने लगा तब मेरे पे DP भी चल गया, और मेरे 80% हेल्थ खा गया। अब मैं यहाँ पे अपना हेल्थ रिकवर कर रहा था, और देखने की कोशिश कर रहा था वो बंदा है कहाँ, पर मेरे को वहाँ से कुछ दिखा नहीं। तो मैं यह 3 स्टोरी पर आ गया, और यहाँ पे जैसे ऊपर जाए मेरे को 6 साल देखने लाना चाहिए। मैं नीचे आया 6 साल लेने के लिए, और देखने लगा यहाँ से नीचे से कि बंदा है कहाँ। फिर जब मैंने देखा कि वो तो पास में ही खड़ा है, फिर मैंने पीक लेके उसको लालचाया कि मारो, पर उसने फायर नहीं किया। वहाँ से मैं यहाँ से बहुत देर तक देखता रहा, लेकिन कोई ऐसे नहीं। फिर सबसे चला ऊपर से देखते हैं कि ऊपर से व्यू मिल जाए अगर। फिर मैं ऊपर आया, ऊपर आके बहुत देर तक मैंने इस बंदे को देखा, लेकिन मेरे को कोई देखा नहीं, इसलिए मैंने एक नेट देखा। मैंने इस नेट को ज़्यादा कुक नहीं किया,
ताकि थोड़ा बंदा हड़बड़ा के आगे पीछे हो जाए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मेरे को समझ में आ गया, ये बंदा होना हो पीछे जा रहा है या फिर वो फ्लैंक करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैं बाहर आ गया, बाहर आके मैं भी एक वाइट फ्लैंक करने लगा और मैं यहाँ से भागते हुए मैं इस घर में आ गया। मेरे को अंदर आते वक्त कोई होस्टल नहीं आया, तभी एक फायर हुआ, मेरे को पता चल गया चर्च के साइड कोई है, और तभी यहाँ पे फुट से पाया। तो मैं समझ गया कि बंदा रस कर रहा है, तो मैं यहाँ पे टीटीपी लेने लग गया। तभी बंदे ने फायर करके किसी को अभी मार दिया, तो बंदा सोच रहा है कि उसने मेरे को ही मारा है। तो वो बेझिझक अब ऊपर आ रहा था, मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था। जैसे वो बंदा है मैंने फायर किया, लेकिन वो भाग गए दरवाजे के पीछे चला गया और नीचे कूद गया। मैं उसको फॉलो करते हुए नीचे कूदा, तभी मेरे को ये ग्रिल ने रोक लिया। लगता है उसने पैसे खिला के रखे। फिर मैंने सोचा कि ये फायर करके चेक किया, नहीं है। तब मेरे को यहाँ से दिख गया बंदा कहाँ, फिकर करके बंदे को मार दिया। तो मेरे को आपको पता है कभी चर्च के साइड से फायर आया था, तो मैं भाग के वो चर्च ये वाले स्क्वाड हाउस में गया। तो मैंने डीपी के 6x को 3x में कन्वर्ट कर लिया और मैं भाग के चर्च के ऊपर गया। जाहिर था तभी मेरे मन में डर सा लगा रहा था कि कोई अगर मेरे को ऊपर से पैक मार देगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर मैं ऊपर जाने लगा और फिर मैं यहाँ पे चेक कर लिया अच्छी तरह से कि यहाँ पे कोई नहीं है। फिर मैं वो पीर वाले बंदे को जो मारा था उसको थोड़ा लूट नहीं गया था, पर खास इसके पास कुछ था नहीं। तो मैं बस फिर मेरे को एक बग्घी दिखी, मैं बग्घी पे चेक करने लगा। तभी बग्घी से दूर भागता हुआ एक बंदा नजर आया। मैं 3x को 6x में कन्वर्ट किया, आपको से 6x फिर इसका दिया। फिर भी अभी भी मेरे मन में डाउट था कि बग्घी पास कोई तो है, बंदा मेरे को देखा नहीं। मैंने बग्घी के आसपास और चेक किया, तभी मेरे को एक बंदा भागता हुआ दिखा। मैं थोड़ा इधर उधर गया ताकि बंदे को कंफ्यूज कर सकूं। वो बंदा पता नहीं क्यों ऊपर निकल रहा था, मेरे को पहले लगा बॉट है, पर जब नीचे जाके लूटा भाई ये कोई बॉट नहीं था, इस बंदे के पास अच्छा खासा लूट था। फिर मैंने चेक किया वेयर हाउस और बग्घी उठाई, बग्घी उठा के जिस बंदे को मारा था उसको थोड़ा चेक करने गया, कुछ लूट वूट मिल जाए। अब पोचिंग की पूरा खाली हो चुका था और मैं निकल रहा था। अब सोच रहा था कि कहाँ जाऊँ। फिर मैं ये स्क्वाड हाउस चेक करने के लिए गया, पर यहाँ पे भी मेरे को कोई मिला नहीं। अब मैं सोच रहा था कि किधर जाऊँ। फिर मैंने जोन चेक किया, जोन बन रहा था, अच्छा खासा बन रहा था जोन। फिर मेरे को एक ड्रॉप देखा, तो मैं ड्रॉप को फॉलो करते हुए यहाँ, पर यहाँ पे मेरे को कोई ड्रॉप मिला ही नहीं। फिर मैंने पूरा इलाका ही यहाँ पे छान मारा, तो मेरे को कुछ नहीं मिला। चारों ओर घूमने पूरा इलाका चेक कर लिया, मेरे को कुछ नहीं मिला। मैं ये आपको दिखाना नहीं चाहता था, फिर भी ये फास्ट करके दिखा रहा हूँ कि देखो मतलब बंदे मिलना कितना मुश्किल है। बंदे दो जगह कन्वर्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, कुछ तो ज़्यादातर बॉट ही आते हैं, मतलब 20% तो बॉट दे देते हैं पबजी वाले, क्योंकि मैच मेकिंग जल्दी कराना होता है। अब यहाँ से मैं निकल ही रहा था, तभी मेरे को एक बॉट ने फायर किया। चलो मैंने सोचा ऐसे ही गेम नहीं मिल रहा है, चलो एक बॉट को ले लेते हैं। फिर स्कूल के साइड से राउंड अप करते हुए मैं निकल रहा था, तभी देख रहा हूँ कि सर के ऊपर जोन बन रहा है, और जोन भाई किसी को नहीं बख्शता। इसलिए मैं आगे निकल ही रहा था, तभी मेरे को प्लेन की आवाज़ सुनाई दिया और एक दिखाई दिया ड्रॉप। मैं ड्रॉप का पीछा करने लगा और ड्रॉप के पीछा करते हुए यहाँ आया, और यहाँ देखा मेरा फ्यूल ख़त्म है। तो मैं पैदल ही निकलने लगा ड्रॉप की तरफ, मैं जानता था ड्रॉप पर कोई ना कोई आ ही जाएगा, इसलिए मैं इधर उधर थोड़ा चेक करके जा रहा था। और मैंने जैसे सोचा वैसे वो ड्रॉप के पास एक बंदा पहुंच गया था।
मैं वेट करने लगा कि ड्रॉप से ये बाहर निकलेगा। इसको फिनिश करने के बाद मैं रिलोड करके वापस से चेक करने लगा और तो कोई नहीं है। मेरे को फिर से एक बंदा दिखा जिसको भी मैंने इजीली फिनिश कर दिया। मैं रिलोड कर रहा था और मैं फिर से इधर उधर देख रहा था कि कोई बंदा तो है नहीं। फिर मैं सोचा चलो ड्रॉप लूट लेते हैं। फिर मैं एक स्मोक निकालने लगा और स्मोक कर दिया, बट ये स्मोक कुछ ज़्यादा ही दूर हो गया, अब देख सकते हो। तो मैंने, मेरे पास और एक स्मोक था तो मैंने एक स्मोक और कर दिया और मैं इधर उधर भागने लगा ताकि कोई मेरे को स्पॉट करके मार ना दे। फिर मेरे सामने एक बंदा आया जो मेरे को पहले से लग रहा था बॉट है, पर जब मैंने इसकी लूट देखी, ओ भाई ये कोई बॉट नहीं था। फिर मैं गाड़ी की तरफ जा रहा था, फिर मेरे को एक और बंदा देखा जिसको भी मैंने इजीली ख़त्म कर दिया और मैं गाड़ी की तरफ चलने लगा। फिर मेरे को याद आया मैंने तो ड्रॉप लूटी ही नहीं। फिर मैं ड्रॉप लूटने गया और मेरे को ड्रॉप से मिला M249 जो कि एक बीस्ट गन है। इसका फ्री फायर ओ भाई खतरनाक। इसको रिलोड करने के बाद मेरे हेल्थ फुल कर गया और गाड़ी लेके जो पहले स्नाइपर ट्रावर की तरफ से फायर आया था मैं उधर ही चलने लगा। और जैसे ही मैं स्नाइपर टावर के पास पहुंचा, मेरे को दिखा एक स्मोक। फिर मैं आसपास चेक करके देखने लगा कोई बंदा नीचे तो नहीं है। फिर मेरे को पता चला वो बंदा तो ऊपर है। तो मैं थोड़ा इधर उधर चेक करके ऊपर जाने लगा और ऊपर भाई कैंपर। जब किसी कैंपर के हाथों मरते तो भाई बहुत बुरा लगता है। तो उसको मारने के बाद थोड़ा बहुत लूट करने के बाद मैं नीचे गाड़ी के पास आ ही रहा था तब मेरे को एक बंदा और भाग गया। मैंने बंदे को 2000 सी हिट लगी और बंदे ने फिनिश कर दिया। फिर गन को रीलोड करके वो जो बॉट फायर आ रहा था, मेरे को पता था उधर एक बॉट है। तो मैंने गाड़ी उठाई और उस बॉट के पास चल दिया। कोई मैं रिक्स नहीं लेना चाहता था इसलिए फटाक से इसको फिनिश कर दिया। पर अब मेरे स्क्रीन पे दिख रहा था कि 3 ही बंदा लाइव है। तो मैंने सोचा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो उसे भी ढूंढ के ख़त्म करते हैं। फिर मैंने गाड़ी लेके ड्रॉप की तरफ आया, मेरे को बंदा देखा पर वो बंदा पहले ही एग्रेसिव था, उसने पहले ही फायर कर दिया। पर पता नहीं ये बंदा क्यों अटक से गया, खराब होगा गया। और बच रहा था एक बंदा और मैप वाई सर्कल बहुत बड़ा है। तो मैं सोचा चलो हेल्थ रिकवर करके मैं उसको ढूंढने लगा, पर मेरे को उससे ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मैं स्नाइपर टावर की तरफ आया था और जोन भी उसी तरफ बना था। मैं सोचा चलो उधर ही चलते हैं। मेरे को बंदा भागते हुए नीचे दिख गया, मैं गाड़ी दूर में रोक के उसकी तरफ बढ़ने लगा। भाई वो बंदा देखो, अब वो बंदा ऊपर चढ़ने लगा। मैंने एक ग्रेनेड खींच के उसे बिना कुक कर फेंक दिया। मेरे को पता था वो डर के मारे नीचे आएगा। तो मैंने M249 निकाला तो वो बंदा जैसे नीचे आया बूम, मैंने तो विनर चिकन लेना विथ 17 किल्स।